नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं सब डिविजनल ऑफिस महागामा, जहां की निरंजन पोद्दार जी नामांकन दाखिल करने के लिए अंदर गए हुए हैं और उनके समर्थक जो हैं वो बातचीत उनसे हम करेंगे और जानेंगे कि क्या गणित क्या गुना भाग लेके वो लोग चल रहे हैं। नेताजी जिंदाबाद के नारे तो वैसे भी खूब लगते हैं, चुनाव का मौसम है और लगना भी चाहिए। कहते हैं कि भारत में वैसे भी ऋतुओं का भंडार है, छः ऋतुएं हैं, लेकिन ये चुनावी मौसम जो है, चुनावी पारा, कहते हैं कि ठंड कितनी भी हो लेकिन चुनावी पारा जो है वो गर्म कर देता है आदमी को। इन्हीं से पूछते हैं, क्या सर समर्थक हैं निरंजन पोद्दार जी के, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना रिजवान नसीम कासमी है। क्या कहेंगे, किस तरीके का अभी आपने माहौल देखा जब आप लोग घर से चले और आज जो नामांकन की प्रक्रिया, इसके बाद तो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड चुनावी मैदान में आप लोग कूद गए, क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल आप महागामा के अंदर देख रहे हैं और क्या गुना भाग इनका, गणित क्या है? भाई, गुना भाग तो ये है कि हम लोग जब रास्ते में चले, हमने देखा कि हम लोग जब चले रास्ते में, जिसने देखा कि ये निरंजन पोद्दार जी की गाड़ी आगे बढ़ रही है तो वो भी दौड़ पड़े, कोई मोटरसाइकिल से कोई साइकिल से, जिसको जैसा सुविधा था दौड़ पड़े, जबकि हमने ना उनको दावत दी है ना कुछ दिया है, लेकिन दौड़ पड़े और बहुत बड़ा काफिला बन गया। यहाँ सारे लोग देख रहे हैं, ये सारे मतलब कहते हैं हम लोग, अगर संभव हो तो सभी को दिखा दीजिएगा। हाँ, दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी द गैदरिंग ओवर हियर, सब डिविजनल ऑफिस महागामा, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट एंड वी आर कवरिंग सपोर्टर्स व्यूज, सपोर्टर्स ओपिनियन ऑफ निरंजन पोद्दार हु इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर महागामा विधानसभा। आई विल से टू कैमरामैन, प्लीज स्टेबल द कैमरा। निरंजन पोद्दार इज फाइटिंग दिस इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑफ महागामा विधानसभा एंड व्हाट विल बी द इश्यूज रिगार्डिंग दैट, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। जब आप वोटरों के पास जा रहे हैं तो वोटर तो पूछेंगे कि भैया स्वतंत्र उम्मीदवार हैं तो क्यों वोट दें? देखिए, कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं होती बल्कि वो खुद जानकारी में आ जाती है। हमारे निरंजन जी घंटी क्षेत्र के हैं और जिला परिषद भी हैं, तो जानने की एक वजह ये भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह यह है कि निरंजन पोद्दार जी इन पब्लिक के, खासकर गरीबों के बहुत हमदर्द हैं। उनके दर्द दुख में शरीक होना, उनसे मिलना जुलना करना, ये सारी चीज़ें उनकी खासियत है, जिसकी वजह से महरमा और घंटी तो खास करके मतलब कहते उनको अच्छी तरह जानता है, बच्चे न जाने लेकिन जो हम लोगों की उम्र में है तो लगभग लोग जानते हैं। और जहां हम लोग भी गए जहां तक, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि हम उनको नहीं जानते हैं, कहा कि हम उनको जानते हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। आज तक हम लोग ऐसे लोगों को वोट देते आए जिनको, जो कि वोट लेने के टाइम तो आए लेकिन उसके अलावा हमारे पास नहीं आए, लेकिन निरंजन जी ऐसे हैं कि नेता हैं लेकिन उम्मीदवार आज तक नहीं बने, एमएलए के मतलब टिकट आज तक नहीं लिया, लेकिन हमारे बीच ही अब बराबर आते रहे हैं और हमारे दुख दर्द में शरीक होते रहे हैं, इस हिसाब से लोग इनको जानते हैं। और यही हिसाब से मैं भी दावा कर सकता हूं और हम लोग भी इनके साथ हैं फुल सहयोग से। चलिए, कुछ लोग आ रहे हैं, ताली मत बजाइए, ताली तो अपने लिए बजाइएगा, ठीक है? इनसे पूछते हैं, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं फिर आपके पास लौटते हैं। क्या नाम बाबा, कहाँ से आए, क्यों सपोर्ट कर? हरेंद्र कुमार पोद्दार, घर बोरमा, वहीं से मेहरमा प्रखंड से आए हुए हैं। क्या मुद्दा है? सिर्फ हम मुद्दा पूछेंगे भैया, हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मुद्दा पूछेंगे आप लोग का कि क्या आप लोगों के चुनावी माहौल है और चुनावी मैदान में जब पब्लिक आती है तो पब्लिक जो है वो नेता पब्लिक को भगवान समझते हैं, क्या कहेंगे? वो हमारे बीच बहुत अच्छे नेता हैं। आइए जरा इनसे, और पहले महिलाओं से वैसे भी जो है, आइए आइए जरा इनसे बात करें, आइए आप लोग भी आइए, कुछ महिला सपोर्टर्स हैं, उनके समर्थक हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हैं आप लोग? राधिका देवी, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, घर लहटी हुआ। क्या क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? हम लोग के लिए देखिए बहुत अच्छा दिन है और खास करके हम लोग ज्यादा करके चाहते हैं निरंजन भैया का, कि हम लोग का गरीब का भाई है और हम लोग को जब भी गए हैं नेता बोल के हम लोग नहीं गए हैं, एक हम लोग का गरीबी का सबका मदद किए हैं और जब भी उनके पास हम लोग गए हैं आशा करके वो पूरा किया है, इसी कारण से हम लोग। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अनिता देवी है, धर्मपुर गाँव से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है, निरंजन भैया सही है, इन्हीं का साथ देने चाहते हैं। इनके कुछ समर्थक हैं, लगातार इनसे हम दिखा रहे हैं। चलिए चलिए, हाँ क्या बोलना चाहेंगे अम्मा? हम बोलते हैं कि हमारा मकान भी नहीं है, वृद्धा पेंशन भी नहीं है, वृद्धा पेंशन है, मकान नहीं है, नहीं है, मोरी बला दासी। और गए कहीं, गए कि नहीं, कोई कहीं कोई एप्लीकेशन कहीं कुछ दिया?
लोग कहते हैं कि भाई ब्लॉक जाइए तो काम हो जाता है। नहीं गए थे, नहीं जा पाए। कहाँ घर हुआ आपका? लहटी। लहटी, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोरीवाला दासी। तो लहटी से हैं, अगर कोई अधिकारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया को देख रहे हैं तो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज फार एज पॉसिबल, जितना एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्द से जल्द हो जो है, क्योंकि पब्लिक का नेटवर्क है, पब्लिक का काम है, वो हम लगातार दिखाते रहते हैं। इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ। एक मिनट रुकिए, हम खुद ही आप लोगों के पास पहुँचेंगे। हरिंदर पुद्दार, हाँ। बौरमा। कहाँ घर हुआ सर? बौरमा। क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? ये मुद्दा हम लोगों का है कि ये हमारे बीच बहुत स्ट्रांग नेता हैं और हम लोगों के बराबर साथ रहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बीच में आवे और विधानसभा इनको हम लोग भेजें। विधानसभा भेजें, युवा हैं, इधर आइए जरा, खाली ऐसे ही खड़ा रहते हैं, इसमें करंट थोड़ा ना है। ये हमारे घर का नेता है, हाँ। हमारे गांव का। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार पोद्दार। कहाँ घर हुआ सर आपका? कजरेल सर। अच्छा, हमारे घर का नेता है, हाँ। और यंग है और अच्छा सोच है और बढ़िया है, इनको हम जिताना चाहेंगे। कुछ क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? मुद्दा सर, मुद्दा तो अभी कुछ बना नहीं, मुद्दा नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन इसको मुद्दा छोड़िए, नेता जी का छोड़िए, पब्लिक एज ए पब्लिक अपना मुद्दा बताइए आप। पब्लिक तो चाह रहा है कि निरंजन पोद्दार जी हमारे फील्ड का नेता बने और इसको जिता करके ऊपर भेजें, यही कहना चाहूँगा। किस प्रखंड से हैं आप? ठाकुर गंगटी प्रखंड से हैं और इन्होंने जो बातें कही वो लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ सपोर्टर्स हैं, जरा आगे आइए आप लोग, तो इनसे आप लोगों से पूछें। आप देखिए ये ऑल टाइम पब्लिक का, रुक जाइए एक मिनट, हम आएंगे आपके पास खुद ही, यहाँ नहीं तो इधर से आ जाइए, पीछे से आइए, लगातार जो हम दिखा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर? दीपक मंडल जी। क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं, युवाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में सभी पार्टियां कुछ ना कुछ कहती है, क्या मुद्दा आप लोग का है? मुद्दा तो देख रहे हैं, गरीब का विकास ढंग से नहीं हो पाया है और इतना दिन 20-20 वर्ष जिता के हम लोग भेजें प्रत्याशी को, लेकिन अभी तक जो जमीनी विकास है, जो जमीन का गरीब का विकास है, वो नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग ये स्वतंत्र प्रत्याशी हैं निरंजन पोद्दार जी, और हम महागमा प्रखंड से, ग्राम बेलटिकरी है घर मेरा, और हम चाहते हैं कि इनको दिल से, तन मन धन से इनको सपोर्ट करें। इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ सर, क्या कहना चाहेंगे? नाम रमाकांत मिश्रा है, गंगटी प्रखंड से है, ठाकुर गंगटी मेरा मकान हुआ। क्या मुद्दा रहेगा? उधर से थोड़ा सा मत करिए, थोड़ा सा हल्ला मेरा देखिए। अशोक भगत जी विधायक रहे 15 साल और गरीबों का कोई क्षेत्र में काम नहीं निकाला, जब से मेरे ठाकुर जी मर गया, समझे नी, राजमंत्री था और वित्त मंत्री थे। मुद्दा क्या रहेगा इस बार के चुनाव का, क्या मुद्दा रहेगा? इस बार मुद्दा चुनाव का रहेगा, हम लोग का बच्चा से लेकर बड़ा जवान बूढ़ा तक निरंजन पोद्दार जिंदाबाद, जिंदाबाद निरंजन पोद्दार। किस मुद्दे के साथ वोटर जो है जाएंगे आपको? जब आप लोग वोटरों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? गरीबों की साथ देने वाला जो है, गरीबों की साथ, गरीबों के साथ देने वाला निरंजन पोद्दार है, इसलिए उसका सब आदमी साथ में जुट गए हैं। मुद्दा जब जीतेंगे ये, इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ सर आपका? निरंजन पासवान। तो एक बात बताइए कि जो कौन सा मुद्दा लेकर जो है चुनाव मैदान में आप लोग जाएंगे? मेरा सबका पहले मुद्दा ये होगा कि जैसे हम सबका रोड, बिजली, पानी, जैसे कहीं तालाब में पानी नहीं है, तालाब को बनाना है, तो हम चाहते हैं कि नया विधायक बने निर्दलीय से और हम सबका विकास हो। अभी तक बहुत विधायक सब बने हैं लेकिन मेरा सबका नई रोड बना है, नई बिजली मिला है बढ़िया ढंग से और नई पानी मिल रहा है। हम सब चाहते हैं कि निरंजन पोद्दार जी बने और हम सबका विकास हो, और बनने के बाद हम सबको संतुष्ट है कि वो करेंगे काम वो करेंगे, इसलिए करेंगे कि हम सबका क्षेत्रीय नेता बनेंगे और वो विकास करेंगे। कौन से जगह से हैं आप? हम सब ठाकुर गंगटी से हैं। ठाकुर गंगटी में किस गांव से हैं सर? कजरेल गांव से हैं। इनसे पूछते हैं, आइए बाबा आप आइए आगे जरा, नहीं आपसे हम पूछेंगे, वो क्या नाम हुआ आपका? हमारा हराधन दास। हराधन दास। क्या कहना चाहेंगे सर? पेंशन हम लोगों को नहीं हुआ है 5-10 साल से। 5-10 साल हो गया, हाँ। पेंशन नहीं हुआ, नहीं, ये पब्लिक के कुछ मुद्दे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मतलब पेंशन कुछ नहीं है। कौन सा गाँव है आपका? लहटी।
लहटी हाँ लहटी हाँ तो अमर मानुष बताइए क्या अमर मानुष ये कुछ लोगों के मुद्दे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द पब्लिक कंसर्न जरा लोगों से पूछते हैं प्रोग्राम्स चलाकर और लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचाने का जो जिम्मा हमने उठाया है अनावरत ये सफर जारी है अनावरत ये दौर जारी है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश प्रसाद भगत। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ही चाहेंगे कि पहले हम लोग जे भी हम पार्टी में थे और जे भी हम पार्टी में हम लोग जिन उम्मीदवार को टिकट देने के लिए चाहते थे उम्मीदवार को ठुकरा दिया गया। मुद्दा बताइए, मुद्दा कहानी अभी हम नहीं सुनेंगे, अभी मुद्दा बताइए चुनाव के समय। मुद्दा अभी हम लोग चाह रहे हैं कि निरंजन पोद्दार जी को भारी मतों से विजय बनाकर उनको अपना क्षेत्रीय नेता बनाए। इधर पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुखराज ठाकुर। इधर दिखाइए जरा, पीछे आप लोग आइए जरा इधर। क्या नाम हुआ आपका? सुखराज ठाकुर। क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं सर कि निरंजन मामा जो है वो इतना बढ़िया है आदमी कि पूरा जिला घर में कहीं नहीं है। इधर जरा महिलाओं की तरफ ले जाइए, तो इधर इधर आइए जरा, इधर आप लोग आइए। मेरा उम्र 80 के आसपास है, आज तक विवाद नहीं मिला, एक लीटर की राशन मिलता है। कैसा ही राज्य में हम लोग हैं, कोई चीज नहीं देता, चावल दाल आटा तेल कुछ नहीं मिलता है, विवाद मिलता है। ये कौन सा भारत सरकार के कौन सा आदमी गलत है जो नहीं कुछ मिल रहा है? लगातार जो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के प्रोग्राम में, इस वक्त हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सब डिविजनल ऑफिस महागामा, एंड दिस टाइम इन दिस इलेक्शन निरंजन पोद्दार इज गोइंग टू फाइट दिस इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। व्हाट सपोर्टर इज सेइंग, व्हाट सपोर्टर्स आर सेइंग, अभी मैं पूछ रहा हूं लगातार यहां के महिलाओं से भी, निरंजन पोद्दार के समर्थन में लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हैं। क्या नाम हुआ आपका? संध्या देवी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजू दास। क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि मेरा पति डेथ हो गया है तो वृद्धा पेंशन और हम लोग को होना चाहिए, मेरा घर भी नहीं है तो गली कुची में तो सर लोग नहीं ना घुसता है, बाहर में घुसता है तो देखता है कि इधर तो घर है और हम लोग का गली में घुसेगा तब ना, हम लोग का कितना चार घर है, चारों घर हम लोग का टूटा हुआ है, कितना आदमी को बोले, ब्लॉक से भी कितना आदमी को बोले, कोई हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है, तो ध्यान कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एक मिनट रुके, बात कर लेने दीजिए, पब्लिक सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप लोग सभी। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया जो है ये पब्लिक की बात पहले सुनती है, नेता की बात बाद में। बोलिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम जिताएंगे तो हमको जैसे कि घर हम लोग को होना चाहिए, वृद्धा पेंशन होना चाहिए, कुछ हम लोग को काम भी देना चाहिए, हम लोग क्या करके खाएंगे? तो जो बुनियादी समस्याएं हैं अभी भी पब्लिक वही ढूंढ रही है। माता जी से पूछते हैं, क्या नाम हो मैम? आशा देवी। क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए जरा, आगे आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा पीछे चलिए भैया, पीछे चलिए, हल्का हल्का जगह दीजिए। हाँ बोलिए। हम यही कहना चाह रहे हैं, निरंजन पोद्दार दो बार इलेक्शन लड़ चुके हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं मिला, और जनता भाई से हम कहना चाहते हैं मेरा बेटा को वोट दे के जय विजय करवाइए और जिता कर एक बार दिखिए कि जनता का क्या वो कर रहा करेगा। आपको उम्मीद है? माता जी हैं। हमको पूरा उम्मीद है, पब्लिक के ऊपर सब उम्मीद रहता है, पब्लिक जो करेगा सब करेगा और भगवान के ऊपर, पब्लिक भगवान होती है ना, पब्लिक जो जो है उसको भगवान का दर्जा प्राप्त है। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामदेव यादव। क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पे इलेक्शन में जा रहे हैं इस बार? हम लोग तो महागामा विधानसभा से अब की बार ये मधुकोड़ा का रूप धारण होगा अब की बार महागामा में, जिस तरह मधुकोड़ा जीत के और निर्दलीय से गए थे ना, फिर बाद में क्या किया मधुकोड़ा ने? मधुकोड़ा कुछ करे लेकिन लेकिन निरंजन पोद्दार, आप मुद्दा बताइए, मुद्दा मुद्दा बताइए, मुद्दा हम लोगों का ये विकास करेंगे, विकास पुरुष है और जब जब इसके यहाँ आदमी गया दुख तकलीफ कोई बात को लेके ये जरूर उसके यहाँ पहुँचते हैं और उसका विकास किया है, हर चीज से सहयोग देते हैं, साथ से भी सहयोग करते हैं। आप लोग आइए जरा पीछे के युवा लोग। मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल हुआ, महागामा प्रखंड से आए हैं श्रीमतपुर। क्या क्या मुद्दा है? बाकी सभी पार्टियां जो है किसी ने संकल्प पत्र जारी किया, किसी ने घोषणा पत्र जारी किया, सभी लोग कुछ ना कुछ जो है चुनाव के वक्त झूठे वादे झूठे इरादों के साथ भी चुनाव मैदान में आते हैं, कुछ लोग सच्चे इरादों के साथ भी आते हैं, ये राजनीति का फलसफा है, सियासत की अपनी अपनी कहानी है। क्या क्या कहना चाहेंगे?
हम तो चाहेंगे कि ये जो है निरंजन पदार जी, इनके बारे में हम लोग जहाँ भी जाते हैं, गंगटी गए और भी महरमा प्रखंड गए, हर जगह से इनका एकदम निजी यानी जमीनी स्तर के नेता हैं एकदम, और गरीब और अमीर सब सबका ये विकास किए हैं। अभी मामूली सा जिला परिषद है और इनके बारे में विकास के बारे में इतना सुनते हैं कि हम लोग एकदम महागामा प्रखंड मुस्लिम भी हम इनके साथ हैं पूरा एकदम जोर से। आज हम अपने साथ 400 कार्यकर्ता लेकर गए हैं, 400 कार्यकर्ता लेकर आए हैं। आइए जरा बाबा आगे, क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का माहौल आपने देखा? ये और क्या कहना चाहेंगे? गंगटी ब्लॉक से हैं। दरअसल ये ब्लॉक दुर्भाग्य है कि हर वक्त पिछड़ा रहा है। आज तक हम लोगों को अच्छा नेता नहीं मिला, जितने भी नेता थे सारे वादा किए चले गए, लेकिन ये जो हैं ये निरंजन पोदार जी अब नेता नहीं रहते हुए समाज की सेवा किए हैं। ये एक कर्मठ आदमी हैं, हम इनको डायनेमिक एंड एनर्जेटिक पर्सन कहते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं ही विल डू बेटर एंड बेटर फॉर अवर एरियाज। What will be the issues, sir? What will be the issues for this election? Actually, our area is always backward. No leader has come here to develop our country. That is why now we all the people want to make him the member of assembly. Member of assembly, and he will do work for the people. And we are confirmed that he will work, and we are ready. He will win. निरंजन पोदार जिंदाबाद, ऑलवेज जिंदाबाद, ऑल द टाइम्स। अच्छा एक 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 सवाल है कि हाउ यू टेक निरंजन पोदार एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इज गोइंग टू फाइट दिस इलेक्शन, हाउ यू टेक इट? एक्चुअली ही इज अ वेरी वन थिंग दैट इज ही इज सोशल रिफॉर्मर। एनी टाइम एनी पर्सन वांट anything, he is ready to help him, first of all. And then he moves door to door, first of all, moves door to door, and then what is your problem? He is ready to listen, ki what is your problem? And now he is going to be a leader, then we hope that great, he will do better and better for this area. Unfortunately, the Gangti block is always backward. No leader we have got that make that. Suppose that the people of Gangti block want the subdivision vision of Gangti, but unfortunately we are here that we have to come here, otherwise we have to go Gangti block, but Gangti block always backward. Now we have got a great leader Niranjan Poddar, he will do, and he will do always, everyone says that he will do better. चलिए और कुछ लोगों से पूछते हैं, युवा हैं, आइए जरा इधर आइए जरा, तस्वीरें जो है लगातार, बोलिए सर क्या बताना चाहेंगे? माइक छोड़ दीजिए, मेरे हाथ में ही ठीक है, बोलिए। ठीक है सर, कहे हुए सुने हुए माफ कीजिएगा। निरंजन बाबू जो है हमारा, निरंजन बाबू जो है हमारा महगामा क्षेत्र से निर्दलीय से आए हैं, उनको अच्छा से मिल जाना चाहिए वो फोटो, और फोटो मिलने के बाद हम लोग जनता जिंदाबाद हैं, जनता जिंदाबाद होते हैं तो सब जिंदाबाद होते हैं सर। मेरा नाम कजरेल घर, यानी मेरा नाम सुबोध, जनता जिंदाबाद, लेकिन नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मेरा घर कजरेल है, ठाकुर गंगटी, जिला गोड्डा, झारखंड। निरंजन बाबू जो है हमारा निर्दलीय के एमपी हैं, और एमपी नहीं विधायक हैं। हम भावनाएं समझ रहे हैं आप, ठीक है, हम मूर्खा हैं सर, लेकिन हम आए हैं निरंजन बाबू को जिताने, जीत जाएगा, अच्छी बात है। निरंजन बाबू मत घबराना, समर्थकों की बात है, इनसे पूछते हैं, आइए भागिए मत, देखिए इसमें करंट तोड़ना है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? आपके बार निरंजन भैया को जिताना है, और हर तरफ से वो हम लोग को साथ देता है, अरे पीछे आ जाओ, दुख सुख में हमेशा हम लोग के पीछे रहते हैं, हर चीज में हम लोग को साथ देते हैं, हमेशा आगे हम लोग का काम करेगा, जीतेगा तो हमेशा काम करेगा, बस। चलिए बाबा से पूछते हैं, आइए बाबा आगे आइए, क्या नाम हुआ? जरा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और माहौल से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम परमानंद पोद्दार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? दिग्घी हुआ। दिग्घी, अच्छा ये बताइए दिग्घी में विकास कितना पहुंचा है, दिग्घी में क्या क्या काम हुआ है विकास का? विकास का जो काम हुआ है पहले बहुत कम ही हुआ है, और क्या मांग है दिग्घी में, क्या जरूरत है? ये जो है जमीनी नेता है निरंजन, नहीं नहीं हम तो ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि दिग्घी में क्या चीज़ की कमी दिखती है आपको? कमी तो बहुत चीज़ की है। क्या? जैसे कि अभी हाई स्कूल नहीं है, और रोड भी जो है थोड़ा सा गया गुजरा है, पानी का व्यवस्था नहीं है। चलिए तो ये इनके समर्थकों का कहना है, आइए जरा आइए, क्या समस्या है आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे?
मेरा मकान चाहिए, घर घर क्या चाहिए? बांग्ला बोलो, बांग्ला बोलिए। खूब तकलीफ अच्छा, हमार बेटा ना बो ना क्यों ना, एक तो पोता अच्छा एक तो पोती अच्छा, और हमार घर द्वार किचू ना, हमें खूब गरीब अच्छी। हाँ तो ये को तुम्हारा उपाय कर दो, हमार मकान कौन कौन बनाए ना। और ले आइए जरा इनको, इनसे पूछते हैं, पीछे ले जाइए तो थोड़ा कैमरे को, कैमरा लोग को पीछे इनसे पूछते। बाबा क्या नाम हुआ आपका? अशोक झा। अशोक झा क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? हम यही बताने के लिए चाह रहे हैं, हम यही बताने के लिए चाह रहे हैं कि नेता तो बहुत हुए हम लोगों का, लेकिन ये निरंजन पोदार जो है ये हमारे मसीहा है, गरीबों के लिए मसीहा हमारे निरंजन पोदार, जो उसके पास जाते हैं उसका वो मदद करते हैं। इसलिए मैं मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन का, चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, मुद्दा मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो यही रहेगा, हम लोग कुछ मुद्दा नहीं, लेकिन हम इन लोगों को निरंजन पोदार को जिताएंगे। क्या मेरा नाम निकलेश कुमार पुद्दार है, घर का है सर, घर का करियल है। अच्छा, और ये मेरे निरंजन जो भैया जो हैं, इसको हमको किसी भी हालत जिताना ही है, जिताना ही, क्योंकि ये नेता बहुत अच्छा आदमी है, ये गरीबों के लिए बहुत अच्छे आदमी है। मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन सर? ये जीत जाएंगे हम लोग मुद्दा ही मुद्दा है, जीतने के बाद मुद्दा रखेंगे। चलिए अजीब है, अजीब समर्थक हैं आप लोग, आइए इधर। क्या नाम हुआ सर आपका? विनय कुमार भगत। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मागावा विधानसभा में निरंजन पोदार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं, नामांकन करने के लिए अभी अंदर है सब डिविजनल ऑफिस मागावा में हम खड़े हैं इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल इस बार, किस तरह की लड़ाई आप लोग प्रेज्यूम कर रहे हैं? ठाकुर गंगटई मागावा और तीन प्रखंड है ना, यहाँ भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि मत इसका सीमा नहीं है, सब बिचौलियों का राज हो गया है। आज गोड्डा जिला को जनरल सीट करके 75% उन्होंने हाई स्कूल को अदर स्टेट का यहाँ आके भर्ती कर दिया, कभी क्षेत्र नहीं घूरता है। कौन? अशोक भगत। अच्छा, कभी 5 साल के अंदर कभी भी क्षेत्र नहीं घूरा उन्होंने। बनियाडी में पानी टंकी बना हुआ है, आज से हो गया कम से कम 10 साल, उसको चालू नहीं किया है, नो नाली है नो रोड है, और रोड जो भी बना है वो जर्जर होने के लिए स्थिति में है, वो तो केवल बिचौलिया के माध्यम से कोई भी काम कराना चाहता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज निरंजन बाबू कोई भी चीज़ दुख में सुख में थोड़ा सा उनको मालूम हो जाता है, वो फील्ड पे चले आते हैं और उनका दुख दर्द को सुनते हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम लोग निरंजन आगे आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या मैटर है आपका? सर हम बहुत जोर बीमार हैं, मेरे पेट में गोला हो गया है, अब बहुत बहुत जगह से घूर के आ गए, दिल्ली तक से घूर के आ गए। क्या दिक्कत है आपको? और हम निरंजन पोदार को जिताना चाहते हैं। क्या परेशानी है आपको? पेट में गोला है सर। तो ऑपरेशन करवाने के लिए कहीं गए कि नहीं, संपर्क किए कि नहीं? रांची गए, रांची से भगा दिया डॉक्टर। क्या बोलता है? कहता है नहीं यहाँ पे इलाज नहीं है इसका, आयुष्मान से वहाँ से भेज दिया पटना चले गए, पटना में भी वहाँ से भगा दिया। अच्छा, हम प्रयास करेंगे आपके लिए। कहाँ आपका प्रखंड कौन सा है? गाँव ग्राम बुरमा, घर बुरमा प्रखंड मेहरमा, प्रखंड मेहरमा। क्या नाम हुआ सर आपका? पिंटू पंडित। तो ये थे यहाँ के समर्थक, और अब करते हैं इस प्रोग्राम को एंड, अगले दिन किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी एक ही अभिलाषा है कि जो पब्लिक जो है जब नेताओं के जिंदाबाद की नारे लगाती है, तो एक बार अगर पब्लिक का जिंदाबाद हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वो राजनीति में दिन कब आएगा इसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।